भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम है, मैं उस्मान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं कोदंडराम साहब से रहने वाला हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। आपको मालूम है तेलंगाना जो रियासत बन गया, जो वो तेलंगाना रियासत बनने के लिए तेलंगाना में हर तबका, हर रिलीजन, हर कैस्ट वाले भी तेलंगाना के लिए लड़े। उसमें हमारे मुसलमान भी तेलंगाना के लिए लड़े, क्योंकि तेलंगाना आने से अपने मुसलमानों की ज़िंदगी सुधर जाती, एक नूर आ जाती, एक डेवलपमेंट आ जाती। ऐसे कई सिलसिलों से हम भी तेलंगाना मूवमेंट में शामिल है। अपने जो मुस्लिम बच्चे भी तेलंगाना के लिए उनकी जान कुर्बानी करें। इस सिलसिले में तेलंगाना आने के बाद 3 साल गुजर गए। आज जो हम समझे वो हमारे उम्मीद थे तेलंगाना आने से, वो उम्मीद खाबा रह गए। आज भी 12% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बच्चों को नौकरी में और पढ़ाई में 12% इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और कई मुसलमानों को जो तेलंगाना में जो आने के हैं हक है, वो अभी तक नहीं आए। और 2 साल 1 साल गुजर गए तो और इलेक्शन आने वाले हैं। फिर इलेक्शन के सामने अपने सामने आके अपनी मुसलमानों को भड़का के, अपने मुसलमानों को वो ये आस बता के फिर अपने को धोखा करने निकलते। सुधीर कमीशन रिपोर्ट सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं करी, रिजर्वेशन के साथ साथ सारे चीज़ों ने मुसलमानों को जो इमीडिएटली करना है, जो मुसलमान बच्चों में पढ़ाई कम है, मुसलमानों को जो इक्वालिटी, जो इलाज नहीं मिल रही, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइनों में ठहर के बता ले रहे वो सिर्फ मुसलमान है बड़े बड़े लाइनों में। ऐसे कई चीज़ें, हॉस्पिटल बनाना है मुसलमानों को, बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, आंगनबाड़ी, जो लेडीज है मुसलमानों के, हमारे बहन बहना है, उनमें खून की कमी है। ये सुधीर कमीशन रिपोर्ट ने बताई, खून की कमी से एनीमिया जो एक बीमारी आती खून की, हमारे माँ बहनों को बहुत खून कम है। ये खून की कमी कैसे आती, क्वालिटी फूड अपन जो नहीं लेते इसके लिए खून की कमी आती। इसके लिए क्या होता, जो एक्सीडेंट हुए तो खून की ज़रूरत से जान भी चले जाने की जो चांस रहती। और डिलीवरी के टाइम पे मेरे माँ बहनों को डिलीवरी के टाइम पे भी जान का खतरा रहता। ऐसे सारी चीज़ें सुधीर कमीशन में बताए, लेकिन सुधीर कमीशन में जो बताए वो इम्प्लीमेंट आज भी ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे KCR साहब नहीं कर रहे। आप तो जो अपने फ़ोनों में देखे, तेलंगाना आने के बाद 100 दिनों में 3 महीनों में मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा। 100 दिन की बात छोड़ दो, 3 साल के बाद प्रोसेस शुरू करें। 100 दिन बोले तो 3 महीने, लेकिन उन्होंने 3 साल के बाद प्रोसेस शुरू करे, वो प्रोसेस रह गया। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आज मैं कहीं भी 12% रिजर्वेशन का मेरे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।